हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 9 ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं लेक्चर 9 ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में टीपी भी लिखते हैं, टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्ट। फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, फिर थर्ड होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट होता है टोटल प्रोडक्ट, सेकंड होता है एवरेज प्रोडक्ट एंड थर्ड होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट देखते हैं विद इन टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, ये हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने जितनी भी टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए या टोटल प्रोडक्शन हमने कितनी क्वांटिटी का किया, वो हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, और हम उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट। फिर आता है हमारा सेकेंड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं या टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट से या वेरिएबल फैक्टर से, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इज अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जब वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स से हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल प्रोडक्ट को, तो हमारा बन जाता है एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ एम्प्लॉय। जितनी भी हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो एड होती जाती हैं, एक्स्ट्रा होती जाती हैं, वो क्या बन जाता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिन का मीनिंग ही होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, मार्जिनल का मीनिंग ही होता है क्या, एक्स्ट्रा। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते हैं तो यूनिट कितनी एक्स्ट्रा बढ़ती है, ये कौन बताता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला देखते हैं। हम तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, फर्स्ट होता है टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड होता है एवरेज प्रोडक्ट एंड थर्ड होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। फिर सेकंड होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी। फिर आता है मार्जिन प्रोडक्ट। मार्जिन प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TPM-1। जब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगी इनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर टीपी देखा, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है AP×Q। मान लो हमें यही फॉर्मूला याद है, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या हम इससे एपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? हाँ, तो देखो यदि हम यहाँ पे एपी का फॉर्मूला निकालते हैं तो मान लो ये हमने लिख दिया AP=Q। ये हमारा क्यू जो यहाँ पर इंटू में है तो क्या वो यहाँ पर आपके डिवाइड में आ जाएगा? जी हाँ, जब यहाँ पर यदि कोई चीज इंटू में है तो इसके अकाउंट में आ जाएगी, जब वो इक्वल के साइड आएगी तो। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है TP/Q। ठीक है, अब जब हमें एपी का फॉर्मूला याद है और टीपी का फॉर्मूला याद नहीं है तब हम क्या करें? जब हमें एपी का फॉर्मूला आता है और हम टीपी का फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले हमने बचपन में सीखा था यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है AP×Q=TP। ठीक है, तो ये हमारा टीपी का फॉर्मूला बन जाता है TP=AP×Q। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीन टाइप्स के प्रोडक्ट देखे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, जो हमारा होता है टोटल प्रोडक्ट। फिर जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है उसमें हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड करते हैं तो बन जाता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। जब हम टोटल प्रोडक्ट में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड करते हैं तो बन जाता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, फिर मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम वन एंड मोर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर क्या एक्स्ट्रा यूनिट्स निकलकर आती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा
फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इक्वल्स टू एपी इंटू क्यू, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन क्यू, एमपी इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। अब इनको कैसे यूज करते हैं, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे उससे हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के टाइप कंप्लीट होते हैं, इनके रिलेशनशिप भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।